हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछागलपतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभ्यवयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ओके, तो भगवान बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि होने के लिए व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा। स्थिर कौन नहीं होता है? जो हमेशा कुछ ढूंढ रहा होता है, हैंकरिंग होती है, चंचल है। चंचल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी डिज़ायर्स इस मन के अंदर एक साथ आती हैं। जैसे मन करता है ये भी देख लूँ चैनल में, वो भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं वो पिक्चर तो नहीं निकली गई, कोई मैच तो नहीं निकलेगा, तो चैनल को बदलता रहता है। स्थिर बुद्धि नहीं है। यदि वो एक सही संतुष्ट है जो उसको दिख रहा है, माना जो भी उसको दिख रहा है, तो वो चैनल को चेंज नहीं करेगा। उसी तरह से हम होटल बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लाइफ पार्टनर भी बदलते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि स्थिरता के ऊपर चर्चा हो रही है कि स्थिर होने के लिए क्या किया जाए, अर्जुन का यही प्रश्न था। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है। तो हम चर्चा करते हैं, करते आए हैं कि जीवात्मा का ये नेचर है कि वो आनंद को ढूंढता है, आनंदमय अभ्यासात हमने चर्चा करी थी। बट प्रॉब्लम है, संसार में हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, इसलिए हमेशा हम कुछ ना कुछ इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जब भी अभी हमने चर्चा करी, हाँ एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम उसमें सेटल तो नहीं हो जाते ना कभी भी, हम फिर उसको बदलते हैं, बहुत हो गया इसको, अब फिर हम कुछ और ढूंढते हैं, फिर हम कुछ और ढूंढते हैं। तो संसार में प्रभुपाद बोलते थे भोग त्याग भोग त्याग। हम किसी वस्तु का भोग करते हैं लेकिन थोड़े दिनों में उस वस्तु का त्याग कर देते हैं, बट वो त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि वो त्याग नया भोग करने के लिए त्याग है। और इस प्रकार से हमें शांति नहीं मिलती है। तो शांति के बिना सुख कैसे, यानी कि सुख शांति कहते हैं, सुख शांति। तो दीज आर टू रिलेटेड वर्ड्स। इससे हम जज कर सकते हैं कि वास्तव में हम वास्तविक सुख प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, जिसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। इस संसार में भी कई बार हम बोलते हैं सेटिस्फाइड, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद हमें फिर से कुछ तृष्णाएं पैदा, कोई भी चीज़ हो संसार में वो टेम्परेरीली हमें जरूर संतुष्ट कर देती है, भूख प्यास व्हाटएवर कोई भी चीज़ आप सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें उसकी और तृष्णा पैदा होती है। अब की बार वी वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, सम डिफरेंट स्टाइल, समथिंग डिफरेंट। और इस तरह से हमें शांति नहीं मिलती है, वी ऑलवेज हैंकरिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर एन्जॉयबल। तो इस संसार की कोई भी चीज़ हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती है। इसका एग्जाम्पल हम सबके पास में है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी आप जाएंगे तो इस प्लानिंग समथिंग, धन को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कि नया बिजनेस लाइन खोली जाए,
और कितना भी आदमी के पास पैसा हो बट आदमी अपनी हर इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। करोड़ मिलियन या बिलियन आदमी के अंदर फिर इच्छाएं भी उतनी बढ़ जाती हैं। फिर उसको मन करता है कि कुछ ऐसा हो कि चांद के लिए जो सेटेलाइट जा रही है उसमें मैं फ्रीक्वेंटली आना जाना कर सकूं, क्योंकि अब इंडिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप तो हो गया उसका आना जाना इजीली। एक ज़माने में ये सपना था कि मैं संसार में इजीली घूम पाऊँ, तो इतना पैसा उसने कमा लिया। अब क्या है, अब डिज़ायर क्या करेगा, अब डिज़ायर करता है मैं कैसे चांद पर जा पाऊँ। यस, ये हम पढ़ते हैं आजकल के आर्टिकल्स में, कई लोग उसके लिए भी बुकिंग कर रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर अ डे व्हेन दैट दैट फ्लाइट विल बिकम वेरी इजी, कि जा रहे हैं कुछ यात्री लोग, आइए हमारे साथ, हम आपको चांद पे लेके जाएंगे। चाहे चांद पे कुछ ना मिले उन्हें, लेकिन फिर भी वो क्रेज़ तो रहेगा कि हम गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। सो आवर डिज़ायर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग बट वी आर नॉट सेटिस्फाई, नेवर सेटिस्फाई। हमारे अंदर हमेशा हैंकरी बनी रहती है, एजिटेशन बनी रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम सुखी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुख होने के लिए संतुष्टि महसूस करनी पड़ती है। जैसे कि हम आजकल के डेट में कहीं अच्छी सुंदर जगह में जाते हैं, बट सुंदर जगह में भी क्या होता है, आदमी उस जगह को महसूस करने की बजाय उसकी इंद्रियां इतने सारे उसके अंदर डिज़ायर पैदा कर देती हैं, वो इधर सेल्फी उधर सेल्फी करते 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 खाई में गिर जाता है कई बार आदमी। तो उसके पास किसी जगह को फील करने का स्थिरता ही नहीं है, किसी इमोशन को, किसी समय को, जीवन का उद्देश्य। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण है अंतिम लक्ष्य का भाव, क्यों यह पता ही नहीं है कि अंतिम लक्ष्य है क्या और वो अंतिम लक्ष्य कैसा है। वो अंतिम लक्ष्य इज़ रियली समथिंग विच मस्ट बी डिस्क्राइब्ड, मस्ट बी डिस्क्राइब्ड, इतना दिव्य है वो। बस वो अंतिम लक्ष्य इसको पता लग जाएगा, दैट पर्सन विल बिकम सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि इस संसार में हमें क्षणिक मात्र छोटा मोटा कुछ तालाब जैसा सुख मिलता है, लेकिन सागर नहीं मिलता है। और भगवान के लिए हम क्या कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ही इज़ लाइक ओशियन ऑफ लव, अफेक्शन, रिजर्वायर ऑफ ऑल द रसास, रिजर्वायर ऑल द रसास, देयर फॉर इज कॉल्ड राम, इसलिए उनका नाम राम है। तो कृष्ण जो है वो प्यार का सागर है। तो जब तक हम कृष्ण से संबंधित नहीं हो जाते, अब सागर के अंदर क्या खूबी है, सागर इज़ लाइक अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं है वहाँ पे कुछ भी। ऐसा नहीं है कि बरसात नहीं हुई 2 महीने, 2 साल तक, 3 साल तक बरसात नहीं हुई, अब नदी हमारे गांव से बहती थी जी, बड़े आनंद में रहते थे, अब नदी सूख गई है, सागर सूखता नहीं है। हाँ, सागर इज़ लाइक दैट। तो कृष्ण के पास जो जाता है, इसलिए उसका उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता है इस प्रकार के, नदी के जैसे या तालाब के जैसे। ही इज़ एवर सेटिस्फाइड, क्योंकि अनलिमिटेड लव एंड अफेक्शन वहाँ पर उसको प्राप्त होता है, जो कि संसार में अनकम्पेरेबल है ही नहीं। इसलिए बोला प्रभुपाद ने, भगवान ने, कि जो कृष्ण भाव, जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है, मन स्थिर नहीं है। हाँ, मन स्थिर नहीं है तो मन कुछ कहता रहता है, ये करो, ये लाओ, वो कर लेते हैं, बुद्धि उसमें लग जाती है, तो बुद्धि दिव्य नहीं है, क्योंकि दिव्य वस्तु पे नहीं लगी है। मन हमेशा चंचल है, इसलिए शांति नहीं है। हमने जो डिस्कस किया, शांति नहीं है तो सुखी कैसे है? इसका मतलब कृष्ण भावना मृत हुए, भगवान से कनेक्टेड हुए बिना कोई व्यक्ति संसार में सुखी रह ही नहीं सकता है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। और लोग सोचते हैं कि अच्छा लोग कृष्ण, चलो स्पिरिचुअलिटी भी कर लेनी चाहिए, जीवन में बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी कर ले लो, कर लो जी, कर लो, हाँ मत्था टेक के आ जा बेटा, जा। हाँ, लोग सोचते हैं कि इसको भी कर लें, कोई पता नहीं कौन है, कोई शक्ति है, कोई भूत है, ऐसा नहीं है। यहाँ इस श्लोक को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि सुखी रहने के लिए यही करना पड़ेगा। और हम बचपन से सुखी रहने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं माता पिता, कितनी टेंशन नहीं लेते हैं, क्या होगा इसका, शादी के बाद क्या होगा, घर के सर पे घर होगा कि नहीं, हाँ जी इसको मकान वकान दे पाएंगे हम, नहीं दे पाएंगे, कितनी चिंताएँ हमें अपने बच्चे के लिए। लेकिन वास्तव में वो सारी चीज़ें उसको सुख दे ही नहीं सकती हैं, शास्त्र बता रहा है। हाँ, परमेश्वर से संबंधित, हाँ तो कहेंगे तो परमेश्वर से संबंधित है ना, तो बाकी काम भी तो करेंगे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जब बाकी काम करेंगे उसमें क्योंकि कृष्ण नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि दिव्य नहीं होगी, शांति मिलेगी नहीं, सुख मिलेगा नहीं। और जो कार्य परमेश्वर से संबंधित होगा उनके लिए करा जाएगा, तो उसमें क्योंकि कृष्ण है संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो प्यार का सागर है। और अब संसार में भी हमें प्यार, हम कहें नहीं मेरा, मैं जानती हूँ एक प्रभु जी को, लड़के को, वट एवर, अपने पति को या पत्नी को,
उसके पास भी बहुत प्यार है, प्यार तो है लेकिन इज़ नॉट ऑल पावरफुल। जब आप दूर चले जाते हो, दूर रहते हो या कुछ संकट आता है तो आपके पास उछल के नहीं आ सकता, सुपरमैन की तरह, ही मैन की तरह, स्पाइडरमैन की तरह और कृष्ण की तरह। ये सब तो नाटकीय है, लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि जब रुक्मणी ने कृष्ण को पुकारा उस प्रेम से, तो कृष्ण वहाँ पर आ गए। बड़ा मुश्किल काम था, वो सारे कृष्ण के द्वेषी लोग वहाँ पर थे, असुर सारे, शिशुपाल और कहाँ जरासंध, कौन कौन नहीं था वहाँ पर अपनी सेनाओं के साथ। और कृष्ण आए और बिल्कुल एक ज़बरदस्त एक एक्शन थ्रिलर बनाई जा सकती है इसके ऊपर। हाँ, भगवान आए, रुक्मणी को रथ पर बिठाया और शास्त्र कहते हैं ऐसे ले गए रुक्मणी को जैसे कि कोई सिंह अपना शिकार ले जाता है और गीदड़ भेड़िए ऐसे देखते रहते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, ऐसे भगवान ले गए शान से। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कृष्ण। सो दूसरी तरह से द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण उस, हाँ उस फ्रेंडशिप फ्रेंडली, पहला था माधुर्य रस, दूसरा था साक्ष्य रस द्रौपदी के साथ, उस रस में तुरंत वहाँ पर पहुँच गए और द्रौपदी की मदद कर दी तुरंत। सो इज़ ऑल पावरफुल। हम लोग जिससे प्रेम करते हैं वो बेचारा वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, तब तक सब कुछ हो लिया होता है, संसार में क्या क्या हो जाता है। सो अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो इट इज़ सेफ, ही विल अपीयर, ही विल कम। सो देयर फोर ही कैन सेटिस्फाई अस। अदरवाइज हम बोलते रहेंगे नहीं मेरी ज़िंदगी में ये हुआ था, तुम नहीं आए थे, तुम क्या। वो बेचारा समझाता रहेगा, अरे सुनो मेरी ज़िंदगी में उस वक्त ये चल रहा था, अरे मैं वहाँ था, अरे मुझे क्या पता था। ये छोटी छोटी बजाती हैं, मैं तुम्हें कॉल मिलाती रही, कहाँ थे भैया, मीटिंग में था, मुझे क्या पता। तुम मीटिंग में थे, तुम्हारी मीटिंग का मैं क्या करूँ, मैं वहाँ फंस गई थी, वहाँ मुझे पेटीएम करना था, मेरे पैसे नहीं थे मेरे पास, दुकानदार पैसे मांग रहा था, तुम पे डिपेंड होके गई थी, तुम मीटिंग में लगे थे, फंस गई ना मैं। तो छोटी सी एग्जाम्पल है, कई बार बड़े बड़े संकट भी आए थे तो हम फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते अपने इस सांसारिक प्रेम से। लेकिन कृष्ण इज जस्ट अ पर्सन कि जब सुदामा के पास पेटीएम में कमी थी तो सुदामा को इतना सा रख दे दिया, ले ले बेटा। तो कितने एग्जाम्पल हैं देखिए ज़रा, हर रिलेशनशिप में कृष्ण ने इतना दिया है, तो उनसे क्यों ना प्रेम किया जाए। जब उनसे प्रेम करेंगे तभी क्या होगा, बुद्धि दिव्य स्थिर, दिव्य वस्तु में स्थिर होगी, मन मन स्थिर होगा, शांति महसूस होगी, संतुष्टि महसूस होगी। क्यों? क्योंकि एक और रीज़न है, क्योंकि वो केवल प्यार का सागर नहीं है, वो ब्यूटी का भी सागर है। ब्यूटी इज़ ऑल ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल। किसी ब्यूटीफुल देख के, वस्तु को देख के हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। और सांसारिक ब्यूटी हमें लस्टी फिगर पैदा करती है हमारे अंदर, और कृष्ण हमें इतना संतुष्ट कर देते हैं कि वह और कुछ चाहिए नहीं होता, ऐसा लगता है बस देखते ही रहें। इस संसार में हमें कोई बहुत ब्यूटीफुल वस्तु से प्रेम हो जाता है, स्त्री पुरुष से प्रेम हो जाता है, हम उसे कुछ देना चाहते हैं लेकिन देने के लिए पैसा ही नहीं है, क्या करें, हर चीज़ की तो लिमिटेशन है यहाँ पर। हम कुछ दे, कई बार कोई कहता है कई बार कोई कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा। अब वो बेचारा चांद तोड़ के लेके क्या लेके आया, वो एक समोसा लाने के लिए भी सोचना पड़ जाता है कई बार ज़िंदगी में, एक ड्रेस लाने के लिए सोचना पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण न केवल ब्यूटीफुल हैं बट ही इज़ ऑल वेल्दी ऑल्सो वंडरफुल। जिससे हम प्रेम करते हैं ऑल वेल्दी, यानी कि सारे संसार का धन उसके पास है। जैसे हम कह रहे थे कि कोई सोचे क्या मुझे सेटेलाइट में जाना है, वरना चांद वांद क्या काहे का चांद। नारद मुनि फेल इन लव विद कृष्णा एंड नारद मुनि इज ट्रेवलिंग, सारे यूनिवर्स के अंदर नारद मुनि ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कृष्ण से प्रेम है। तो उनको क्या प्राप्त हुआ, उनको ऑल वेल्थ भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार से यही तो वेल्थ है, कहीं भी चले जाओ, कोई मारने का, कोई मरने का कोई कारण ही नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल वेल्दी। तो इस प्रकार से वो हमारी सारी ज़रूरतों को, जिसके कारण इस संसार में हम खिसिया जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, ऑल दिस थिंग्स राइट। संसार के लोग हमें, हम बहुत प्यार करते थे आपसे, सब कुछ सही था, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मर गया बेचारा, मर गई बेचारी, बट कृष्ण विल नेवर डाई। सो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि संसार में कोई भी वस्तु हमें इतना संतुष्ट नहीं कर सकती, इसलिए बोला गया कि कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसका मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार से उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य नहीं हो सकती है, और इस प्रकार से शांति के बिना उसको सुख कैसे हो सकता है। प्रभुपाद एक और बात बता रहे हैं कि इस संसार के अंदर
जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि कृष्ण भोक्ता है, तब तक भी व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। भोक्ता राम जगतपसाम, कृष्ण न केवल भोक्ता है। आप कहेंगे कृष्ण भोक्ता है तो मैं तो फिर गरीब रह गया बेचारा। हाँ नहीं, गरीब नहीं रह गया, सुहृदम सर्वदेही नाम, जो अभी हमने चर्चा करी, क्योंकि इज ऑल ही सर्वलोक के महेश्वरम, जो अभी चर्चा करी, इज ऑल वेल्दी, क्योंकि वो सब लोगों के महेश्वर हैं। ही इज द कंट्रोलर, इज द ओनर, ही इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ संसार में हर चीज़ के, वो ओनर हैं सारी फैक्ट्रियों के, समझ लीजिए। हाँ, सारी संसार की हर वस्तु के इतने वेल्दीस्ट वेल्दी हैं। तो बट अच्छी बात क्या है कि सुहृदम सर्वदेही नाम, कि वो सब देही हम लोगों के मित्र भी हैं। सो बहुत ही रिच, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हमारे मित्र हैं, उनको संतुष्ट करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। ये बात साथ में समझनी है। ये नहीं समझनी है कि इतना बढ़िया व्यक्ति है तो मुझे भी दो चार अंगूठियाँ दे देगा, मुझे भी कुछ दे देगा, मुझे एक प्लैनेट दे देगा, उससे नहीं। जब हम उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो प्रेम का सागर है, और उसको कुछ देना चाहेंगे, देन ही विल गिव एवरीथिंग वी वॉन्ट, वी है, वी हमारे अंदर जो भी नीड हो सकती है हर वस्तु की सप्लाई हमें कर देंगे। और इस प्रकार से हम टोटली संतुष्ट होकर हमारा मन स्थिर हो जाएगा, जो अर्जुन का क्वेश्चन था। तो भगवान ने बताया स्थिर होने के लिए ये कहना पड़ेगा, सांसारिक ज्ञान बुद्धि से हम कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेसिक नीड तो हम सबकी रहेगी, है कि नहीं। कितना भी इंटेलिजेंट बन जाए आदमी, भूख लगती है ना तो तारे याद आ जाते हैं, तो लार टपकने लगती है खाना देख के। बेसिक चीज़ें हैं, हम समझते हैं इस बात को। सो वी वॉन्ट दैट आनंद, जो कि कृष्ण के साथ ही सुपर आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।